हाय। सबसे पहले तो देखो भाई, मेहनत किया जा रहा है, कम से कम सब्सक्राइब कर लो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लास्ट में लाइक कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। और अच्छा ना लगे तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। देखिए, ये है 50 नंबर के हिंदी के लिए, जीवन संदेश, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और जो भी है इम्पोर्टेंट ही है। जैसे ये देखा जाए, है ना, ये जीवन संदेश राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा जो लिखा गया है, तो इसमें जैसे पूछा जाता है कि जो भी लेखक हैं, कवि हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब जन्मे, ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादातर पूछी ही जाती हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कम से कम, चाहे वो इंग्लिश 50 नंबर का हो, चाहे इंग्लिश 100 नंबर का हो, चाहे वो इंग्लिश हिंदी 100 नंबर का हो, हिंदी 50 का हो, आप कौन से लेखक कब जन्मे, कौन कवि कब जन्मे, कहाँ जन्मे, कब मरे, ये कम से कम जरूर कर लीजिए। इससे क्वेश्चन रहता है, इसलिए जितने भी मेरे ऑब्जेक्टिव नोट्स हैं सब में ये सब तो जरूर रहा है। उसके बाद देखिए, एक ये हो गया, है ना, इसमें इस पन्ने में टोटल 14 है, और उसके बाद ये टोटल 25 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में भी लिखा गया है और साफ सुथरा भी लिखा गया। आप इसको कोशिश कीजिए कि याद कर जाइए। और हाँ, हमारा इस बार का स्लोगन है, अब की बार 70 पार। तो वास्तव में अब ये नहीं बोलिएगा कि 50 नंबर में 70 क्या होता है, 70% हो सकता है ना 35 नंबर, ठीक है। पहले 35 नंबर के लिए टारगेट करना, उसके बाद आगे के बारे में सोचना है, 70 से कम तो नहीं लाना है। ओके, कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इसको। बाय।